वसई विरार में कोरोना का कहर अब भी बरकरार है। यहाँ न रोजाना मरीजों की संख्या घट रही है और न ही मौत के आंकड़े, जिसके चलते प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बिना मास्क वो बिना कारण सड़क पर निकलने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। वहीं शादी ब्याह में निर्धारित लोग कर दिए गए हैं ताकि भीड़ भाड़ ना हो। वहीं नालासोपारा पूर्व स्थित आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में 14 मई को एक शादी समारोह में निर्धारित से कुछ अधिक मेहमान उपस्थित हुए। शादी की जानकारी मिलते ही मनपा प्रभाग ब के अधिकारी शादी स्थल आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल पहुंचे और कोविड के नियमों का उल्लंघन करने के चलते दुल्हन पक्ष पर 50,000 का जुर्माना लगा दिया और 50,000 की रसीद भी पकड़ा दी। यही है वो रसीद, जरा ध्यान से देखिए इस रसीद को। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो हम आपको बता दें कि मनपा ने ये जो 50,000 की रसीद दी है उसमें मनपा की कोई मोहर नहीं लगी। जुर्माने का ये पैसा मनपा के जेब में जा रहा है या किसी निजी पॉकेट में, या कहें तो ये जनता को लूटने का नया तरीका तो नहीं? हमारे सारे सवाल के जवाब के लिए जब हमारे संवाददाता ने प्रभाग ब के सहायक आयुक्त पंकज भुसे को फोन लगाया तो साहब ने फोन तक नहीं उठाया। अब अगर मनपा के जिम्मेदार अधिकारी ही अपनी कमियां छिपाने के लिए फोन नहीं उठाएंगे तो आखिर जिम्मेदार किसे माना जाए? वहीं इस मामले में क्षेत्र के जिम्मेदार समाज सेवकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, कल महानगर पालिका के कुछ कर्मचारियों ने एक शादी समारोह में पहुंचकर वहां पे 50,000 रुपए का दंड वसूला है, तो क्या कहना चाहोगे? स्लिप भी आपके पास है, क्या मामला है? वो दंड नहीं है, वो एक तरीके का खंडनी है कि जिसपे नगर पालिका का जो स्टैंप होता है वो विदाउट स्टैंप लगाए नगर पालिका अधिकारी वो पैसा वसूल रहे हैं। मैं अभी अक्षय मोकर जी से बात किया तो उनका कहना है कि आप भूसे साहब से बात कीजिए, भूसे साहब को 5 बार फोन लगाया, फोन नहीं उठाया। ये मामला आशीष पाटिल जी के संज्ञान में आ चुका है। इस तरीका का अगर स्टैंप लगा के विदाउट आप किसी को पावती फाड़ रहे हो तो एक तरीका का अपराध है। जिस तरीका का अपराध आप बता रहे हो कि 25 लोगों की शादी में ज्यादा लोग आए थे उनके ऊपर आपने दंड फाड़ा है, उसी तरीका से विदाउट आप ये जो नगर पालिका की पावती है इस पे अगर आपने अपना स्टैंप नहीं मारा है नगर पालिका का, आप फर्जी तरीके से वो पैसा फाड़ रहे हो तो क्या पता है कि वो पैसा नगर पालिका को जा रहा है या आप लोग रख रहे हो? इस विषय पर आपने क्या मनपा के आला अधिकारियों से बात की है? हाँ, मैंने इस विषय पे कल से ही मैं मैसेज किया हूँ, व्हाट्सएप किया हूँ मनपा के अधिकारियों से, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ लोगों को मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि अगर नगर पालिका विदाउट मुहर मारे स्लिप पे और पैसा वसूल है तो इनके ऊपर भी गुना खंडनी का दर्ज होना चाहिए। ये वही भूसे जी हैं जिनके ऊपर कुछ दिन पहले हमला हुआ था और हम लोगों ने उनके लिए आवाज उठाई थी और आज वहां पुलिस व्यवस्था लगी, लेकिन इस तरीका के किसी के शादी में खंडन डालना और उसके बोले खिचड़ी का जो सामान है मुझे दे दो, उसका बाप विकलांग है, उसको फालिस मारा हुआ है, वो परिवार निहायत गरीब है, लेकिन ये लोगों ने एक ग्रुप बना के 10 लोग ले जाके उसके पैसा जबरन वसूला है, इसका मैं विरोध करता हूं। उस पावती पे कहीं भी नगर पालिका का स्टैंप नहीं है, मैं इस तरीके की पावती को वैध नहीं मानता हूं कि नगर पालिका का है। मुझे लगता है ये लोग खुद पावती बना के पावती फाड़ रहे हैं और खुद पैसा वसूल रहे हैं। वहां पे सर मैं शादी समारोह में स्टार्टिंग से ही पहुंचा था, वहां पे हमें इनवाइट किया गया था तो हम वहां पे पहुंचे थे, तो वहां पे हमने देखा कि 35-40 आदमी थे और काफी ग्राउंड लंबा चौड़ा था तो उसमें कोई कोरोना का कोई वो डर वर नहीं था। लेकिन वहां पे हम जब पहुंचे 10 मिनट बाद वहां पे महानगर पालिका के 10 कर्मचारी और 2 पुलिस वाले वहां पे आए और जो गरीब आदमी वहां पे जो अपने बहन की शादी कर रहा था उस शादी में अड़चन डालने लगे, बोले कि हम तुम्हारे ऊपर 50,000 का पावती फाड़ेंगे। इन लोग का सुबह 10:30 बजे से चालू हुआ, 10:30-11 बजे चालू हुआ, शाम को 5 बजे तक ये लोग वहां पे थे और जबरन वहां पे गरीब आदमी से वहां पे पावती फाड़े और 50,000 का जुर्माना उन लोग को लगा के 50,000 वसूली करके फिर वहां से लोग गए। जबकि मैंने पंकज भुसे सर को 10 बार कॉल किया लेकिन वो फोन नहीं उठाए, बाकी 2-4 और कर्मचारी थे उनको भी फोन किया लेकिन किसी ने कोई फोन उठाया नहीं, मैसेज डालने पे भी कोई जवाब नहीं आया। वहीं इस मामले में अगर शादी पक्ष वालों पर लापरवाही का मामला लगाते हुए उन्हें 50,000 जुर्माना पड़ा तो बिना मुहर के रसीद देने वाले मनपा अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ क्या इस मामले में शादी पक्ष वालों की ही गलती थी? क्या शादी हॉल व्यवस्थापक की कोई गलती नहीं? क्या मनपा को उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहिए था? इन सारे सवालों द्वारा मनपा की भूमिका इस मामले में पूरी तरह से संदिग्ध नजर आ रही है।
नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।